नमस्ते, स्वागत है आपका कार देखो में, where we help you pick the right car right now. Right now हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रीमियम हैचबैक के बारे में जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, द टाटा Altroz. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बाय और होल्ड, जहां हम आपको बताते हैं कि एक अपकमिंग कार वर्थ इट है या नहीं. तो टाटा की Altroz में क्या है खास, चलिए बताते हैं आपको, स्टार्टिंग एज ऑलवेज विद द बेसिक्स. Altroz जो है टाटा की पहली प्रीमियम हैचबैक है, बोल्ट से एक लेवल ऊपर. ये एक ऑल न्यू मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है और इसमें आपको तीन इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल. ऑटोमेटिक वेरिएंट शायद लॉन्च पर अवेलेबल ना हो, लेकिन ये बाद में ज़रूर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. अगर लॉन्च टाइम की बात करें तो हम इसे जून या जुलाई के महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्राइसेस 5 लाख रुपए से 8.5 लाख रुपए तक हो सकते हैं. अब बेसिक्स की हो गई बात, चलिए मैं आपको बताता हूं कि टाटा Altroz कंसिडर करने के मेन रीजंस क्या हैं. नंबर वन, टाटा के रीसेंट डिजाइन बहुत ही बेहतरीन रहे हैं. चाहे आप बात करें टियागो की, टिकोर की, नेक्सॉन की या हैरियर की, सभी बिल्कुल हटके लगते हैं और Altroz में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा. अब इसका डिज़ाइन जैज या पोलो जितना प्लेन और सिंपल नहीं है, ना ही ये बलेनो जितना कर्वी है. तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे लोग पलट पलट कर देखें और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो एक स्टाइल स्टेटमेंट साबित हो, तो आपको टाटा Altroz के लिए वेट करना चाहिए. नंबर टू, टाटा की Altroz फीचर्स के मामले में भी काफ़ी कुछ ऑफर करेगी. इसमें आपको हैरियर की तरह 7 इंच का TFT स्क्रीन देखने मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और उसके अलावा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, ड्यूल टोन पेंट स्कीम, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा इन द टाटा Altroz. नंबर थ्री, अगर आपको एक ऐसी हैचबैक चाहिए जो एक अच्छी फैमिली कार साबित हो, देन वेट फॉर द टाटा Altroz. हाँ, इसमें स्पेस बलेनो या जैज जितनी नहीं है, लेकिन इट इज़ इनफ फॉर द फैमिली. बूट स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, हालांकि इसके एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास फिलहाल नहीं है. नंबर फोर, आपके यूजेज के हिसाब से आपके पास अलग अलग इंजन ऑप्शंस होंगे. अगर आपकी यूजेज बहुत ही कम है, आप सिर्फ सिटी में चलाने वाले हैं, तो आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा. अगर आपको थोड़ी सी स्पॉटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल जो हमने नेक्सॉन में देखा था, वो इंजन भी अवेलेबल होगा. और फाइनली, अगर आपकी यूजेज बहुत ही ज़्यादा है और आपको एक फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन चाहिए, तो वो ऑप्शन भी आपको Altroz में देखने मिलेगा. अब डिस्कस करते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या हैं, एंड वील टेल यू द मेन रीजंस टू कंसीडर देम, स्टार्टिंग विद ऑप्शन वन, द मारुति सुजुकी बलेनो. मारुति सुजुकी की बलेनो पिछले 3 सालों से इस सेगमेंट में बहुतों की फेवरेट रही है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बढ़िया स्पेस मिल जाता है, लोअर वेरिएंट्स में फीचर्स अच्छे दिए गए हैं, ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है और सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी लो है. तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको स्पेस और माइलेज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे दे, तो आप तुरंत ही बलेनो कंसिडर कर सकते हैं. अगर मैं डाउनसाइड्स की बात करूँ, तो हाँ, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं है, लेकिन अदर देन दैट, ओवरऑल इसका रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव रहा है. ऑप्शन टू, Hyundai एलीट i20. अगर मार्केट में ऐसी कोई हैचबैक है जिसे आप एक प्रॉपर प्रीमियम हैचबैक कह सकते हैं, तो वो है Hyundai की एलीट i20. चाहे आप बात करें क्वालिटी की, फिट एंड फिनिश की, फीचर्स की, सेफ्टी की, सभी मामलों में Hyundai की एलीट i20 अच्छी साबित होती है. डाउनसाइड्स की बात करें तो ये महंगी है, इसके पेट्रोल इंजन का माइलेज कुछ खास नहीं है, और फाइनली इसका रियर सीट स्पेस बेटर हो सकता था. ऑप्शन थ्री, होंडा जैज. हाँ, ये हैचबैक सेल्स के मामले में थोड़ी पीछे ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छी गाड़ी नहीं है. इट्स अमंग्स द बेस्ट फैमिली कार्स जिसमें आपको ढेर सारा स्पेस और बूट स्पेस मिल जाता है. अब होंडा है तो पीस ऑफ माइंड ऑलमोस्ट गारंटीड है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड सर्विस. अगर डाउनसाइड्स की बात करूँ तो आपको फीचर्स पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और प्राइसिंग भी इसकी थोड़ी एक्सपेंसिव रखी गई है. ऑप्शन फोर है Volkswagen पोलो. देखिए, पोलो को तभी कंसिडर कीजिए जब आपको पता हो कि गाड़ी आप मोस्टली अकेले ही चलाने वाले हैं, क्योंकि इवन एज अ 4 सीटर ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड फील होती है. लेकिन अगर उसको हम अलग रख दें,
तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये गाड़ी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप एक पेट्रोल ऑटोमेटिक हैचबैक ढूंढ रहे हैं तो इसका GTTSI वर्जन ज़रूर कंसिडर कीजिए। आपके पास और एक ऑप्शन भी है, ऑप्शन 5 जो है टोयोटा की ग्लैंजा, विच इज़ प्रिटी मच द सेम एज द मारुति सुजुकी बलेनो। फाइनली बताते हैं आपको एक ऐसा रीजन टू अवॉइड द टाटा एल्ट्रोस, और वो है कुछ नहीं। देखिए असली कहानी तो हमें ड्राइव करने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑन द सर्फेस हमें इसमें कोई बड़ा डील ब्रेकर नहीं नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यस, कार्देको सेज द टाटा एल्ट्रोस इज डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर। हमारे वेटोमीटर जनाब देते हैं इसे एक 9 out of 10। उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना ना भूले। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई भी टाटा एल्ट्रोस को कंसिडर कर रहा है तो तुरंत ही ये वीडियो उन्हें व्हाट्सएप या फेसबुक पर फॉरवर्ड कर दीजिए। फाइनली अगर आपने कार्देको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।